जय श्री महाकाल दोस्तों। दोस्तों जब महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण अंतिम शांति प्रस्ताव लेकर कौरव महासभा में जाते हैं। इस प्रसंग को रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता रश्मिरथी में बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया है। तो चलिए हम देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान शांति प्रस्ताव कैसे रखते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वा भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज बोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बहाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझमें लय है या देख पवन मुझमें लय है मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है संसार सकल अमृत फूलता है मुझमें संहार झूलता है मुझमें। उद्याचल मेरा दीप्तिबाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल भुज परिदिबंध को घेरे हैं मैं नाक मेरु पग मेरे हैं दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। द्रगहो तो दृश्य अकांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख चल अचल जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजात अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंद सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि विष्णु जलपद धनेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख या देख जगत का आदि सृजन या देख महाभारत करण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं अभी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकर भू पर वरसेगी वही प्रकर फरसेस नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा कभी नहीं फिर जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे बिस्बाण बूंद से छूटेंगे वायस रगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परधाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नरना अगाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते जय 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 श्री कृष्ण भगवान की। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगी। नमस्कार। जय महाकाल। जय श्री महाकाल।